मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना तथा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5.51 लाख लाभार्थियों को घर की चाबी वितरण के कार्यक्रम का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 5 जनपद के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया तथा अन्य योजना के बारे में लाभार्थियों से विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने लाभार्थियों से पूछा कि सिलेंडर, शौचालय, आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं। वहीं अधिकतर जनपदों के लाभार्थियों ने सभी योजना का लाभ मिलने की पुष्टि की। आपको बता दें कि इन आवासों को पूरा करने में 6,637.37 करोड़ की धनराशि खर्च की गई तथा बीते 4 वर्ष में 27.23 लाख आवास स्वीकृत किया गया, जिनकी लागत 32,676 करोड़ है। जिसके संबंध में परियोजना निदेशक राम सिंह ने बताया कि जनपद में 19 ब्लॉक हैं तथा हर ब्लॉक में 100 लोगों को आवास दिया गया है। उन्होंने बताया कि योजना के 2000 लाभार्थियों को चाबी का वितरण किया गया है। इस अवसर पर NIC हॉल में परियोजना निदेशक राम सिंह सहित अन्य अधिकारी और योजना के लाभार्थी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थी प्रहलाद व यशोदा तथा परियोजना निदेशक राम सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,00,000 घर स्वीकृत किए गए हैं। क्षेत्र में इस योजना के लगभग 14,50,000 मकान वर्ष में 13 लाख। अभी जो हम लोग मकान बढ़ा रहे हैं आपके मार्गदर्शन में, उसमें सिर्फ फिजिकल आवास नहीं बल्कि उसके साथ बिजली, गैस का कनेक्शन, शौचालय की व्यवस्था नरेगा में करते उनको कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि संपूर्ण घर के संकल्पना पूरी हो सके। और JEES कार्यालय में विकास की योजना और पहले अन्य लोगों की सोच से जुड़ जाता तो आज उत्तर प्रदेश की जो प्रगति हम 4 वर्ष में कर पाए हैं उसको कहीं और ज्यादा हम कर सकते। मुझे लगता है कि आप ही के कड़कमलों और आप ही की कृपा पर यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश को प्राप्त होनी थी, इसीलिए आपके आशीर्वाद से ग्राम विकास विभाग के प्रति जो आपका विश्वास था उसे विभाग ने पूरा किया है। श्रीमती संगीता देवी कुशीनगर। जी सर, गाँव में अन्य लोगों को भी आप इस योजना का लाभ दिलाएंगे ना? जी ठीक है, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई, बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की हर बेघर का हो घर अपना के सपनों को साकार करने पर प्रधानमंत्री आवास योजना का बुला लीजिए हमको चावल दे दे मुख्यमंत्री पांचवारे का कड़ी सर निष्ठा और पारदर्शिता के साथ पहुंचाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसीलिए हर एक गरीब के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए इतनी योजनाएं दी। उन योजनाओं का लाभ उस पात्र व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए और मैं इसलिए कहूंगा कि इसको अभियान लगा करके
इन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य होना चाहिए। यह कार्य गरीबों के लिए क्लस्टर में आवास पार्क कुशलता पूर्वक पूरा करना शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं का इसकी शुरुआत हुई। इस आवासीय रेवती देवी जी, आपको आपके साथ जितनी भी वहाँ पर बहने बैठी हैं, इन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी सरकार चुनी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आप सबको एक एक आवास के साथ साथ शासन में सभी योजनाएं दी जो एक परिवार के लिए और एक मनुष्य के लिए आवश्यक होती है। आवास की चाबी उपलब्ध कराने के आज के समारोह में मेरे साथ उपस्थित प्रदेश के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी, विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, अपर प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय प्रसाद जी, ग्राम्य विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण और उपस्थित लाभार्थी भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना कि हर गरीब का घर हो अपना, यह साकार उत्तर प्रदेश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 4 वर्ष के दौरान ही मात्र प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर 41,73,000 से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक एक आवास उपलब्ध हुआ है, मैं इसके लिए आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आज 5,51,000 लाभार्थी अपने गृह प्रवेश कर रहे हैं, इसके लिए भी आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं, आपको ढेर सारी बधाइयां हैं। देखिए 4 वर्ष में लगभग 42,00,000 के आसपास लोगों को आवास उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अगर आप पिछले 30 सालों का आंकड़ा देखेंगे तो मुश्किल से 53,00,000 लोगों को 30 वर्षों में आवास मिल पाया था। यानी पहले ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था, उसके एजेंडे का हिस्सा ना गांव था, ना गरीब था, ना किसान था, ना नौजवान था, ना महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27,00,000 से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। जो विकास पहले जातिवाद खा जाता था, क्षेत्रवाद खा जाता था, भाई भतीजावाद खा जाता था, आज वो विकास हर गरीब को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि अच्छी सरकार चुनी जाएगी तो शासन की योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर गांव को बिना भेदभाव के प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आज 5,51,000 लाभार्थियों को इस आवास योजना का लाभ उपलब्ध होना इसी का एक हिस्सा है। मैं सबसे पहले आप सभी लाभार्थी भाइयों बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 70% लाभार्थी महिलाएं हैं और उनको इस योजना के माध्यम से अपने परिवार को और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। मैंने लाभार्थियों से, मैं इसी बात की जानकारी ले रहा था, मैंने अभी परसों
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों से मैं मिला था और तब भी मैंने उनके साथ संवाद बनाते समय एक बात पूछी थी कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना के अलावा और क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको प्राप्त हुआ है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ज्यादातर लाभार्थियों को आवास योजना के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण की योजना के साथ वे लोग जुड़े हैं, उन्हें राशन कार्ड में फ्री में राशन उपलब्ध हो रहा है, आयुष्मान भारत का कार्ड उन्हें प्राप्त हुआ है, उन्हें उज्ज्वला योजना में निःशुल्क रसोई गैस का कनेक्शन मिला है, उन्हें सौभाग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क विद्युत का कनेक्शन प्राप्त हुआ है, निराश्रित महिलाओं को विधवा पेंशन की योजना का लाभ, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ प्राप्त हुआ है और भी तमाम योजनाओं से सभी परिवार आच्छादित हो रहे हैं। और लखीमपुर खीरी में तो यह बहुत अच्छा कार्य हुआ है कि क्लस्टर के आधार पर एक जगह ही उन सभी आवास विहीन लोगों के लिए कॉलोनी बना करके एक जगह उन्हें टाउनशिप बना करके उन्हें इस योजना का लाभ दिया गया है, जिसमें आवास आवास के साथ साथ गो संरक्षण केंद्र, उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, उनके लिए सड़क की व्यवस्था, उनके लिए पार्क की व्यवस्था और उनके लिए उन सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें जोड़ने का कार्य हुआ, जो वास्तव में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, स्ट्रीट लाइट यानी एक आदर्श गांव की स्मार्ट विलेज की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, उस स्मार्ट विलेज की परिकल्पना को ये साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में यह कार्य योजना लागू करने का प्रयास हुआ है, मैं इसके लिए लखीमपुर खीरी के अपने सभी अधिकारियों को, सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और जितने भी लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं उन सबको मैं हृदय से बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि वहां पर अच्छा होगा कि पार्क में एक कोने में ओपन जिम का भी निर्माण करें। ये ओपन जिम जो बच्चे वहां पर खेल कूद में भाग लेना चाहेंगे उनको वहां पर खेल का एक मंच भी मिलेगा। और अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से भारत के खिलाड़ियों को खेलने के लिए एक मंच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया और अभी आपने देखा होगा पैरा ओलंपिक में भी भारत के खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी दिव्यांगता को अपने परफॉर्मेंस के सामने आड़े नहीं आने दिया, बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है हर गांव के इसके लिए तैयार होना होगा, हर एक मोहल्ले को इसके साथ जुड़ना होगा, हर एक खिलाड़ी को इसके साथ जुड़ना होगा और हर एक नागरिक को इसके साथ जुड़ना होगा। दूसरा, एक नई परिकल्पना, क्या हम अपने गांव में इस प्रकार को लागू कर सकते हैं कि हमें सामुदायिक केंद्र बनाना है, उस गांव से जुड़े हुए कोई संप्रांत नागरिक अच्छी स्थिति में है तो वह अगर कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, आधा पैसा वो दे, आधा पैसा राज्य सरकार उन्हें दे और मिलकर के फिर इस कार्य योजना को आगे बढ़ा दे। देखिए आजादी के 75 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, इन 75 वर्षों में हमारी परिकल्पना विकास की क्या होनी चाहिए, केवल सरकार पर आश्रित रह करके नहीं बल्कि समाज की चेतना को जागरूक करके समाज को भी विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य अगर हम कर सकेंगे तो सरकार और समाज जब मिलेगा तो विकास कई गुना आगे बढ़ सकता है। और मुझे लगता है कि अब यह समय आ गया है कि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में विकास के इस नेटवर्क को भी अक्सर सब लागू करने का प्रयास कर सकेंगे, उसका एक लघु रूप आप यहाँ कन्वर्जेंस के माध्यम से लखीमपुर खीरी के लंदनपुर में चीज देखने को मिली, आपने नाम के रूप उसको साकार भी कर दिया है। वहां पर अब तक लंदनपुर नाम आप लिखते थे लेकिन झोपड़ियां रहती थी, लोग बड़ी दयनीय स्थिति में रहते थे, लेकिन आज लंदनपुर नाम सार्थक हो रहा है। जब वहां की सड़कों पर टपाकी लगी भी देखते हैं लोग, वहां पार्क को देखते हैं, कॉलोनी को देखते हैं, आखिरी में स्ट्रीट लाइट को देखते हैं, वहां के
नाइट पेयजल की स्कीम लागू हो चुकी है, पेयजल का शुद्ध पेयजल लोगों को उपलब्ध हो रहा है। तराई बेल्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इसके लिए वहां के मुख्य विकास अधिकारी जो वहां पर उस समय तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी और इस समय उपाध्यक्ष हैं कानपुर विकास प्राधिकरण के सरविंद सिंह और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं बधाई दूंगा और जिला प्रशासन से कहूंगा कि इस कॉलोनी में ओपन जिम को भी आप वहां पे ग्राम प्रधान निधि के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक मॉडल होगा, वो अन्य क्षेत्रों में भी इस प्रकार के मॉडल बनाए जा सकते हैं जिसको हम वहां पर लोगों को तमाम प्रकार की आजीविका के साथ जोड़ने का कार्य भी उसके माध्यम से कर सकते हैं। 26 परिवार रह रहे हैं, अगर 26 परिवार मिलकर के दो दो गाय भी पालेंगे और वहां पर एक गोबर गैस प्लांट सबका मिलकर एक साथ हो जाए तो मुझे लगता है वह भी गोवंश को हम ऊर्जा के साथ भी जोड़ सकते हैं, आस्था के साथ साथ ऊर्जा के साथ भी जुड़ सकता है, एक नया मॉडल भी वहां खड़ा हो सकता है। हमें ये सभी मॉडल खड़े करने होंगे, हमारा गांव आत्मनिर्भर हो सके, हमारा गांव स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर हो सके, हमारा गांव प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार करने के लिए स्वयं आगे बढ़कर के कार्य कर सके। इसका एक दृष्टांत तो हमें अपने अपने गाँव में अपने अपने क्षेत्र में खड़े करने पड़ेंगे और नंदनपुर उसका एक उदाहरण लखीमपुर खीरी के अंदर उस रूप में खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा। मैं इसके लिए वहां के सभी जनप्रतिनिधियों को वहां के सभी प्रशासनिक और इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आवास योजना का लाभ याद करिए, प्रधानमंत्री आवास योजना लागू होने के पहले आधा अधूरा पैसा मिलता था, 20,000 रुपया 25,000 रुपया और भी पूरा नहीं मिल पाता था, पैसे में भी सेंध लगती थी। अगर 20,000 रुपये में आवास योजना का किसी को लाभ मिल पड़ा है उसमें भी कटौती होती थी, उसमें भी तमाम लोग बेमानी और भ्रष्टाचार करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर गरीब का बैंक में अकाउंट खोला, जनधन योजना के माध्यम से गरीब का खाता खुलना और फिर पैसा जाएगा तो गरीब के खाते में जाएगा, बीच में कोई दलाली और किसी को सैतानी करने का अवसर न मिले, जब सख्ती के साथ इस व्यवस्था को लागू किया। आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में 41,73,000 ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इतने लोगों के आवास बन गए, यानी जो कभी लोगों की कल्पना थी आज जो साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे तो बहुत प्रसन्नता इस बात की कि आवास के अलावा शौचालय के भी निर्माण हुए हैं, उज्ज्वला योजना का भी लाभ मिला है, सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन मिले हैं, हर गरीब के पास आज अपना राशन कार्ड है, हर गरीब को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्राप्त हो रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं इन्हें महिला स्वयं सेवी समूह के साथ जोड़ना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि ग्राम विकास विभाग ने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है, लगभग 52 लाख बहनों को ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर जोड़ा गया है। ये 52 लाख बहुत बड़ी संख्या है, इन्हें रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उत्तर प्रदेश में तो हमने बाल विकास और पुष्टाहार के साथ इन सभी महिला स्वयंसेवी समूहों को आजीविका मिशन को इसके साथ जोड़ दिया है। अब गांवों में कुपोषित बच्चों के लिए, कुपोषित माताओं के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए अब पोषाहार की व्यवस्था कोई अन्य व्यक्ति नहीं बल्कि आजीविका मिशन से जुड़ी हुई बहने ही वहां तक पहुंचाने का कार्य करेंगी। भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा, गांव में ही क्वालिटी का पोषाहार उपलब्ध हो पाएगा और इसको कई जनपदों ने सफलतापूर्वक अपने अपने यहाँ लागू कर दिया है। दूसरा, हम लोगों ने यह भी तय किया है कि अगर कहीं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कोटे का विवाद होगा तो महिला स्वयंसेवी समूह को उस राशन कोटे की जिम्मेदारी दी जाएगी प्राथमिकता के आधार पर, और आज प्राथमिकता के आधार पर
हजारों ऐसी बहनें हैं जो राशन कोटे की दुकानों का भी संचालन कर रही हैं। तमाम महिला स्वयंसेवी समूह खाद्यान्न के भंडारण की कार्रवाई को भी अपने अपने ग्राम पंचायतों में उस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हुई हैं, सिलाई कढ़ाई के कार्य के साथ जुड़ी हुई हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के क्षेत्र में जुड़ी हुई है। लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति से जुड़ी हुई बहनों ने तो वहां पर थारू जनजाति के क्षेत्र में तमाम नए कार्य वहां पर करके अन्य लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान की। मुझे लगता है कि हरेक क्षेत्र में, मुझे जैसे बुंदेलखंड में बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर में मैंने दुग्ध उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ एक महिला स्वयंसेवी समूह है, इतना अच्छा काम कर रहा है। ऐसे ही अलग अलग फील्ड में बहुत अच्छे काम हुए हैं। अगर ये सभी महिलाओं को अगर हम लोग किसी प्रकार के किसी न किसी आजीविका मिशन के साथ जोड़ करके विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ेंगे, उसका व्यापक लाभ होगा और प्रधानमंत्री मोदी जी के भावना के अनुरूप हम ग्राम स्वराज की गांधी जी की परिकल्पना को भी साकार करेंगे, आत्मनिर्भर गांवों की परिकल्पना को भी साकार करने में मदद मिलेगी। आवास योजना का लाभ प्राप्त होने पर और आज 5,51,000 परिवारों को अपने अपने आवास में गृह प्रवेश करने पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं, विभाग को इस अच्छे आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक लाभार्थी को बिना भेदभाव के प्रदान करने में आप लोग निरंतर इसी प्रकार से सक्रिय होकर के कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। ताला भी रुक दे रहे हैं जो है जी 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 मैंने भी और चाबी अपना नहीं पकड़े आती इसको मिली नहीं इसको तो चाबी चाबी दीजिए इनको दावा दे दीजिए ताला है तो आवाज हाँ मिला है आवाज मिला हाँ कहाँ पाए हैं फुलवरिया जाना चाहेंगे सरकार के लिए हाँ हाँ चाहेंगे क्या करें फिर आ रहा है फिर यही आ रहा है फिर जोगी जी आ रहे हैं यशोदा मुख्यमंत्री आवास योजना लाभार्थी का आवास हाँ सर मिला कहाँ पे आ पाए हैं जंगल अयोध्या प्रसाद मकान बन गया हाँ सर मकान हमारा बन गया है आज चाबी मिला आपको कैसा लगा मंत्री जी ने तभी इससे बात भी की है लाभार्थी सरकार के लिए कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी हाँ सर हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं हमारा ये आवास बनवा दिए हमारा शौचालय बनवा दिए हमारा जो है तो जो हमारा राशन कार्ड बनवा दिए ये हमारा सब तो करवाए दिए जब से मोदी सरकार हुए हमारा तो हर काम ही आगे निकलते जा रहा है योगी सरकार क्या कहना असल सरकार दोनों सरकार तो बहुत अच्छे हैं असल मुख्यमंत्री जी जनपद गोरखपुर में जो है हमारे 19 ब्लॉक हैं 19 ब्लॉक में हर ब्लॉक में 100-100 लोगों को दिया गया है लगभग 2000 लोगों को जो है आज ताला चाबी वितरण का प्रोग्राम किया गया है इसी साथ जो है गृह प्रवेश जिनका मकान हमारा पूर्ण हो गया है वो लोग आज गृह प्रवेश का कार्यक्रम है और उनको ताला चाबी दोनों वितरित किया गया है।